राजनीति विज्ञान और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके सवाल और जवाब देख रहे हैं हम लोग। देश में वयस्क मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है, यानी कि जो वोटिंग एज है वो क्या है? वो है 18 वर्ष। राज्यसभा के कितने सदस्य लोक लेखा समिति में सम्मिलित किए जा सकते हैं? और ये है 7 सदस्य, 7, राज्यसभा के 7 सदस्य। कौन भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है? ये कुछ सवाल रिपीट हो रहे हैं और ये जरूरी आए हुए हैं, इसलिए इनको जानना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों और अन्य खतरनाक कामों में नौकरी पर रखने का निषेध है? जो चाइल्ड राइट्स एक्ट है, या फिर आप कहें कि जिसमें मजदूरी नहीं कर सकते और इसी के साथ आरटीई भी जुड़ा हुआ है, वह है अनुच्छेद 24, चाइल्ड लेबर एक्ट जो है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? तो राज्य शब्द का मतलब है स्टेट, इंडियन स्टेट, तो वो अनुच्छेद 12 में है। नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? और इसका उत्तर है 12वीं अनुसूची, नगर पालिकाओं के बारे में 12वीं अनुसूची में, 12th आर्टिकल। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अस्थाई अध्यक्ष साहब थे सच्चिदानंद सिन्हा। भारत में कौन नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है? ऐसा कौन है जो इनके मौलिक अधिकारों में संशोधन करता है, जिनको हम चुन के भेजते हैं लोकसभा में, संसद और राज्यसभा ऑफकोर्स, तो संसद कर सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? कौन सा अनुच्छेद है ये? अनुच्छेद 253, 253। किस वर्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था? 2013 में यह हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 249, यानी कि 249। भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है? यह है अनुच्छेद 127 में। किस वर्ष ब्रिटिश भारतीय सरकार ने विडो रीमैरिज एक्ट है, यह अधिनियम पारित किया था? यह है 1856 में। बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये बनाया गया था, बिहार और से झारखंड अलग हुआ, ये हुआ नवंबर 2000 में। संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग की पालन कहाँ हो सकती है, यानी कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग ये संसद के किसी भी सदन में हो सकती है। कितने मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में दिए गए हैं? वो आपके हैं 11, जो आपकी ड्यूटीज है वो 11 है। भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा, अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित की थी? केशवानंद भारती वाद में। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान है? दल बदल कानून, तो यह है 10वीं अनुसूची में। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद याचिका अर्थात PIL इसकी शुरुआत हुई, उस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश साहब कौन थे? PN भागवती साहब। कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? इसको हम देख चुके हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है? अनुच्छेद 124, ये भी हम एक बार देख चुके हैं।
किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? यह है रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। किस राज्य की विधानसभा में दो महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है? दो महिलाओं की किस राज्य की विधानसभा में वहां राज्यपाल दो महिलाएं नियुक्त कर सकता है, वह है जम्मू और कश्मीर। अंडमान और निकोबार के मामले किस राज्य का हाईकोर्ट देखता है? क्योंकि ये अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर हाईकोर्ट नहीं है, तो ये कोलकाता में इसका हाईकोर्ट है। लोकसभा की कुल अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? हाईएस्ट हो सकती है 552, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? और यह है विधान परिषद। संविधान के किस संशोधन से ग्राम सभा अस्तित्व में आई, इसको हम एक बार देख चुके हैं, इसका उत्तर था 73वां संशोधन। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? अब ये जो सवाल है इसमें ये 7 है, और अक्टूबर 2019 के बारे में बात कर रहा हूं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये भी इसमें शामिल हो जाएंगे, लेकिन आपको राज्य फिर कम करना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य था तो 29 राज्य हैं हमारे पास, वो फिर 28 हो जाएंगे, और ये 7 से बढ़ के 9 हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे। भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले कौन पूर्व सोवियत संघ में राजदूत थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है? और इसका उत्तर है अनुच्छेद 26 में। संविधान के कौन से अनुच्छेद में सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 29 और 30। भारत के संविधान के अनुसार धन विधेयक को केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो ये धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जा सकता है। किस दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था? और इसका उत्तर है 24 अप्रैल 1993 में। केंद्र और राज्यों के लिए भारत में लोक सेवा आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाए जाते हैं? और इसका उत्तर है अनुच्छेद 315। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? ब्रिटेन से। संसदीय जो प्रजातंत्र है वो ब्रिटेन से प्रभावित है। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किस में सम्मिलित किया गया है? और इसका उत्तर है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में। वर्तमान में भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 29, जैसे मैंने आपको बताया 29, और क्योंकि जम्मू कश्मीर अक्टूबर से राज्य नहीं रहेगा तो ये 28 हो जाएंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम से ठीक पहले भारत के राष्ट्रपति कौन साहब थे? के आर नारायणन है। लोकसभा हेतु कितने सांसद छत्तीसगढ़ से चुने जाते हैं? तो ये आपको सब पता होना चाहिए, और इसका उत्तर है 11। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः किस मौलिक अधिकार को निलंबित करती है? स्वतंत्रता के अधिकार को। संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। पंचायत भंग होने पर कितने समय के भीतर चुनाव आयोजित होना चाहिए? यह सवाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसका उत्तर आपको आ जाना चाहिए अभी तक, 6 महीने के भीतर। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 75(1) में। पंचायती राज स्थापित करने वाले देश के पहले दो राज्य कौन से थे? राजस्थान और आंध्र प्रदेश, यहां सबसे पहले पंचायती राज स्थापित हुआ था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो इसका उत्तर है जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो
राष्ट्रपति की तरह काम करेंगे। संविधान संशोधन के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द के स्थानापन्न करने किस या करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है, और यह उत्तर है 24वां संशोधन जो अमेंडमेंट हुआ था उससे। पूर्ण रूप से भारतीय संविधान किस दिन से लागू हुआ था, इसका उत्तर है 26 जनवरी 1950। ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950। संविधान का भाग 4 अ किस से संबंधित है, इसका उत्तर है मूलभूत कर्तव्य। नियंत्रण या इसे हम क्या कहते हैं सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है, और इसका उत्तर है संसद की। संविधान के किस अनुच्छेद में बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित प्रावधान है, बंदी बनाए गए अनुच्छेद 22 में इसका विवरण है। महाराष्ट्र से कितने सांसद लोकसभा हेतु चुने जाते हैं, महाराष्ट्र से चुने जाते हैं 48। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का है, यह है उत्तर प्रदेश। स्वतंत्र भारत से पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के पहले स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। भारत में संविधान का संरक्षण किसे कहा गया है, सर्वोच्च न्यायालय को इनका संरक्षक कहा गया है। 22वें संविधान संशोधन द्वारा वन शिक्षा, वन्य जीवन जंतुओं और पक्षियों का रक्षण नापतौल को किस सूची में स्थानांतरित किया गया है, किया गया था, और इसका उत्तर है राज्य सूची से संवर्ती सूची में। संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख है, और इसका उत्तर है अनुच्छेद 324। भारत के राष्ट्रपति कितने राज्य सदस्यों को राज्यसभा हेतु नामांकित कर सकते हैं, राष्ट्रपति कितने कर सकते हैं, इसका उत्तर है 12। प्रथम लोकसभा स्पीकर का नाम क्या था, ये साहब थे गणेश वासुदेव मावलंकर। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है, यह है 31। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, यह है अनुच्छेद 335 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, और इसका उत्तर है अनुच्छेद 360। किसके हितों के संरक्षण के लिए संविधान की 5वीं तथा 6ठी अनुसूची के उपबंध है, अनुसूचित जनजातियों के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। प्राकलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, इसका उत्तर है 30। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिनमें गैर कानूनी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है, SC ST OBC, उत्तर है अनुच्छेद 15-5। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा हेतु कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, यह भी हमने देखा 12 है इसका उत्तर। और राष्ट्रपति लोकसभा को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकता है, इसका उत्तर है अनुच्छेद 85। तो ये कुछ और सवाल हुए, अभी ये श्रृंखला जारी है, कुछ और लेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।